नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पाठशाला टेक में। ओनली टेक नो फेक। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ योनो SBI एप्लीकेशन का यूज करके विदाउट ATM कार्ड ATM से पैसा कैसे निकालते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो घंटी बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए योनो SBI एप्स ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास योनो SBI एप्स नहीं है तो आप सिंपली प्ले स्टोर से योनो SBI डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको योनो SBI लॉगिन करने नहीं आता है तो हमने उस पर वीडियो बना रखा है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए योनो SBI लॉगिन कर लेते हैं। चलिए सिंपली लॉगिन पर क्लिक करेंगे, एम पिन डालेंगे। आप देख सकते हैं आपका योनो SBI लॉगिन हो चुका है। सिंपली योनो कैश पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ नीचे ATM का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा अकाउंट डिटेल शो कर रहा है। आप अपने अकाउंट से जितना अमाउंट निकालना चाहते हैं यहाँ पे आप अमाउंट इंटर कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। चलिए 6 डिजिट का पिन क्रिएट कर लेंगे जो हमारा ट्रांजेक्शन पिन होगा। ATM में ट्रांजेक्शन के टाइम ये पिन इंटर करना होता है। आप इस पिन को किसी के साथ शेयर ना करें। चलिए नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे एक बार रिव्यू कर लेंगे कि हमने जो डिटेल इंटर किया है वो सही है या नहीं है। अगर डिटेल सही है तो आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर देंगे और कन्फर्म कर देंगे। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ बोला जा रहा है कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ट्रांजेक्शन नंबर सेंड कर दिया गया है और आपने जो 6 डिजिट का पिन बनाया है दोनों का यूज करके आप किसी भी SBI ATM से पैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का मैसेज आता है। आप देख सकते हैं गाइस, इस तरह का मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। तो चलिए यहाँ जो ट्रांजेक्शन नंबर दिया गया है और हमने जो 6 डिजिट का पिन बनाया है दोनों का यूज करके पैसे निकालते हैं। तो चलिए मिलते हैं ATM में। यहाँ स्क्रीन पे आपको योनो कैश का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल पर जो ट्रांजेक्शन नंबर आया था उस नंबर को ऐड कर देना है और सिंपली कन्फर्म कर देना है। अब आपको अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली यस कर देना है। अब आपको जो है सिंपली 6 डिजिट का कोड डालना है जो आपने क्रिएट किया था और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन पिन डालकर कन्फर्म करेंगे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।